कुक विद राम जी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगा सैंपल पराठा, सादा पराठा। सादा पराठा बनाने के लिए मैं आधा किलो तो थोड़ा जो ज्यादा आटा लिया है, गेहूँ का आटा, कणक का आटा है जो, तो मैं इसका अभी आटा को पहले तैयार करूंगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पहले तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगा। देखिए आटा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हल्का सा अभी घी लगा के 5-7 मिनट के लिए रख लेंगे। थोड़ा सा नमक ले लिया, लाल मिर्च और थोड़ा मिक्स मसाला। तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगा तो सभी पराठों में हल्का हल्का जो नमक मिर्च और मसाला लगा दूंगा। एक मीडियम साइज का आटे का पेड़ा बना लिया है और इसको अच्छी तरह से बेल के फिर इसमें घी वगैरह और मसाला लगाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा पहले घी लगा देंगे। अब थोड़ा सा मसाला जो मिक्स किया हुआ है, मिर्च मसाला और नमक, वो भी थोड़ा थोड़ा लगा दूंगा। अब इसको चौर से शेप में बना लेंगे, चारों कोनों को बेंड करके। तो ये चौर से साइज का चार कोने वाला पराठा बन जाएगा। खाने के लिए मैंने तवा रखा हुआ है, उसको गर्म किया हुआ है, इसको पलटी कर दिया घी, पलटी करके इसको अभी घी लगा दूंगा। ऐसे ही दूसरा पराठा पहले बेल के उसको फिर घी और मसाला लगा के बनाऊंगा। देखिए पराठे बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। तो आप इनको सवेरे सुबह में नाश्ते में दही के साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसको लंच में सब्जी में खा सकते हैं। खास करके जो बच्चे हैं अपना टिफिन बॉक्स में लेके जाना बहुत पसंद करते हैं। तो मेरा ये रेसिपी अगर तुम्हें पसंद आता है लाइक करना, शेयर करना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, तो बेल का बटन भी जरूर दबा देना ताकि अगे तो जो भी मैं वीडियो बनावा उन्हां दा नोटिफिकेशन भी तुहानूं मिलदा रहे।